गधा तेरे के टेते के टेतावन धागे तेरे के टे धिन। अच्छा महाराज, मतलब आपसे मैं ये पूछना चाह रही थी कि आप ने कथक जो शुरू किया या अपनाया, ये कब और क्यों और किससे सीखना शुरू किया? वो कथक नाच मुझे 1932 में मैंने महाराज को कलकत्ते में अच्छन महाराज जी को नहीं, नहीं। देखे थे 1932 में। अच्छा। तो आप बहुत सारे बनारस से आए हुए थे, जयपुर के थे, बनारस जयपुर। अस्सलाम वालेकुम।
थक से मारेगा बात, खोल दो, खोल दो आधा। अच्छा महाराज जी, मैं बहुत सारे सवाल हैं एक ही सवाल में। कि कहां से आपने कथक शुरू किया, कब शुरू किया, कैसे? कलकत्ते में मैंने अच्छन भैया, हम लोग भैया कहते हैं उन्हें, ये क्योंकि नाटक में भी कुछ साथ रहा और कलकत्ते में पहली मरतबा नाच उनका 32 मैंने देखा। अच्छा। तो उस वक्त हम नाचते थे, एक्टर थे दरअसल, हशर की कंपनी में, आगा हशर मेरे उस्ताद थे ड्रामे के। अच्छा। तो ड्रामे में तो पहले, अब आजकल का जो ड्रामा हो रहा है हमारे यहाँ सिर्फ कॉमेडी कॉमेडी, तो ड्रामा मुकम्मल तो नहीं होता। ड्रामा ट्रेजेडी कॉमेडी एंड मेलोडी, जब ये तीन चीज शामिल हो तो ड्रामा। तो जब महाराज का नाच मैंने देखा तो मैं भूल गया और हजारों कतार मेरे आंख से आंसू आने लगे कि हम 1 and 2 and 3 and 4 कर रहे हैं, असल में तो नाच है ये। तो नाच वाला खत्म होने के बाद जब रक्त खत्म हो गया तो सब कोई महाराज महाराज, हम भी गए नहीं महाराज। हाँ, अरे भाई तुम उससे पहले दिन हम लोग नाचे थे वहाँ पूरा उदय शंकर ट्रुप, तो उदय, अरे अरे बंगाली तू तो बहुत अच्छा नाचते। आप उदय शंकर ट्रुप में भी थे? हाँ, ट्रुप में नहीं, सब जी उदय शंकर ट्रुप आया और हम लोग भी थे। टैगोर स्कूल, तो टैगोर स्कूल से ताल्लुक है ना मेरा। तो महाराज को देखने के बाद में बेसाख्ता दिल से दिल ने ये आवाज दिया कि अगर ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है, कहें अच्छा हाँ हाँ करके उन्होंने डाल दिया, वो चले गए। उसके बाद रामपुर में मुलाकात हुई मेरे, एक साल के बाद। तो रामपुर में आप क्यों गए थे? ग्रामीण के सिलसिले से। अच्छा, ट्रूप में थे? नहीं, नवाब साहब ने एक थेटिकल कंपनी बनाया। अच्छा। नवाब रजा अली खान। अच्छा। रामपुर, तो वहाँ अच्छन भैया वो डांस डायरेक्टर थे जी। और मुशाक अली खान सब बड़े बड़े गवैये अपने वक्त के, समझे नहीं, और अच्छे खासे, समझे नहीं, खूबसूरत किस्म के आर्टिस्ट, बल्कि कुर्बान हुसैन थे जो, अब कुर्बान हुसैन तो फैल दोनों कवाली गा रहे थे, वो भी उस वक्त वहीं थे। अच्छा। तो वहाँ ड्रामे नहीं ड्रामे के लिए बुलाया गया था, तो वहाँ नाच, तो महाराज वहाँ हम लोग को वो थेटिकल नाच बताते थे, थिएटर में जो नाचा जाता था। नहीं, गाने के बोलों के साथ नचा रहे हैं। बहर कर वो नाच और था। फिर हम चले आए कलकत्ता, फिर ड्रामे में रहे। 1934 में फिर मैं लखनऊ पहुंचा, और लखनऊ पहुंचने के बाद में मैं जबरदस्ती अपने कहा शागिर्द करना पड़ेगा आपको, मुझे सिखाए। 1934 में फिर मैं अच्छन महाराज उनसे शुरू किया। महाराज वो उस वक्त कहाँ थे, लखनऊ में किस जगह वो सिखाते थे? झौकी बुढ़िया पर रहते थे ना। अच्छा। घर जहाँ है, आप उनके घर गए? घर गए मैं, अब घर गया, बल्कि उसके उसी दिन समझे नहीं महारानी जयपुर शायद आई हुई थी। अच्छा। हाँ, सीखने के लिए उसी दिन का जिक्र है, सब ये नहीं, तो काफी वो तोहफा तोहफ लेकर के आई थी। तो महाराज ने कहा कि अंदर आप प्रणाम किए तो जाओ माता जी को, अंदर प्रणाम कर जाओ। तो अंदर गई, प्रणाम करके जब वो आई, कहेंगे बीबी तो नहीं सीख सकती है, नहीं ये नहीं, तुम जाओ। अच्छा। नहीं, नाचना तुमसे नहीं होगा। हालांकि महारानी इतनी खूबसूरत की पानी पी तो गले से नजर आए, इंतहा खूबसूरती का, तो हम हैरान हो गए, हम लोग जितने बैठे सब हैरान होंगे कि महाराज ऐसी बातें कह रहे हैं। तो उस्ताद तुम समझते हैं, तो जो कुछ भी लेके आए थे वो कहेंगे अच्छा ठीक है जैसा कहें आप गुरु जी, लेकिन दक्षिणा तो रखिए मेरा जो कुछ लाए। उसके बाद एक हफ्ता मैं वहां रहा, एक हफ्ते शागिर्दी कर ली,
करने के बाद शागिर्दी उस वक्त कैसे करते थे? सिर्फ मान लेते थे कि हाँ मैं सिखाऊंगा? गंडा वंडा का तो ये सिलसिला तो है ना, समझिए नहीं, लेकिन ये सिलसिला अभी नहीं हुआ था। नहीं, उन्होंने तस्लीम कर ली, एक हफ्ता मुझे तालीम दी है, बताए नहीं, नहीं। फिर मुझे आना था, क्योंकि रंगून जाना था मुझे। मैं रंगून में मामशा की थेटिकल कंपनी में हीरो था उस वक्त। नहीं, नहीं। कौन सी कंपनी? मामशा की थिएटर कंपनी थी। रंगून वो एक सेठ थे। अच्छा। मामशा के नाम से समझी लू की बहुत बड़ी थिएटर कंपनी थी रंगून में। अच्छा। उसमें हीरो थे आप? तो उसमें समझिए नहीं, मुझे जाना था वो लैला मजनू। नहीं, नहीं। तो मजनू का कैरेक्टर हिंदुस्तान में चार आदमी ने बहुत खूबसूरत किया, मास्टर रूपी, भाई शादी, अलाउद्दीन और मैं। नहीं, नहीं, नहीं। तो मैना के नाम से मैं मशहूर था उस वक्त। यानी अच्छा। हाँ, आवाज कोयल की तरह कूकती थी। इस वक्त बुढ़ापे में भी ऐसी बारदार आवाज है कि यहां मारे तो कमर से मुझे फल लंग तक तो आवाज आए। चले गए रंगून, एक साल में रंगून में रहा, वहां पर फिर खत गया समझे कि आगा साहब का इंतकाल हो गया 1935 में। फिर रंगून से मैं आया कलकत्ता, कलकत्ता से फिर लाहौर आया। नहीं, ये नहीं, यहाँ शरीक हुए। होने के बाद फिर जब मैं कलकत्ता आया तो कलकत्ते में महाराज मिल गए मुझे। कलकत्ते में महाराज मिल गए, सोनागाछी। सोनागाछी एक जगह है जैसा कि बाजार है वो। नहीं, नहीं। तो पता चला महाराज तो वहीं। तो महाराज वहां पर 6 महीने रहे। तो 6 महीने फिर टिक करके समझे नहीं मैंने कलकत्ते में उनसे। ये सारा तालीम मेरा जो है सिर्फ 6 महीने का। अरे वाह वाह, सिर्फ 6 महीने की तालीम, बाकी देखते गए। जब मौका मिला उन्हें देखे, शागिर्द के मायने तो यही है ना, शागिर्द। गिर्द मंडलाने का नाम है, सबक का नाम नहीं है, सही बात, सीखने का नाम नहीं है। हमने महाराज को बहुत करीब से जितना भी मौका मिला करीब से देखने की कोशिश की, उन्हें उतारने की कोशिश की। ये नहीं, क्यों कि बाकी हम ये समझते कि हमारे बड़े भाई हैं, हमारा बाप है। ये नहीं, वो हमारे उस्ताद है, जो कुछ है वही है। उनसे एक कुदरती तौर से प्यार था। प्यार। अच्छा महाराज, अच्छन महाराज के बारे में कुछ और बताएं, कैसे दिखते थे, उनका हुलिया कैसा था या कद कामत कैसा था, देखने में कैसे थे? भाई अब ये तो हम कहने से रहे कि उस्ताद हमारी शक्ल के थे, मेरी तरह थे। नहीं, नहीं। भारी थे मुझसे ज़रा। नहीं, नहीं। लेकिन रात को साबरी खान सब कह रहे थे ना कि आपको देख के याद आ। तो पता नहीं है क्यों, ये मोहब्बत है। तो मेरा ख्याल है कि मोहब्बत आदत है और आदत फितरत बन जाती है। तो हमें अपने भाई से, अपने उस्ताद से इतना प्यार था। नहीं, नहीं। कि हू बहू वो शक्ल मुझ में, उनकी शक्ल मुझ में बनने लगी। क्या बात। और बनी है, जब तो आज आज जो महाराज कहला रहे हैं, लाखों शागिर्द को सिखा रहे हैं, दुनिया मान रहा है, तो जाहिर चीज है ये नहीं कि उनकी नजर है ना कुछ। जब तक उस्ताद के नजर शागिर्द पे नहीं होता है, शागिर्द खा कितना ही कुछ हो जाए, कुछ नहीं है। उस्ताद का नजर होना बहुत जरूरी है। दुनिया के लिए वो पर्दा कर गए, लेकिन मेरे लिए अभी भी वो है। महाराज, उनके और शागिर्दों में भी उस वक्त किन किन का नाम था ज्यादा, जब आपने शुरू किया उनसे? तो उस वक्त अच्छन महाराज के और शागिर्दों में किन किन का ज्यादा नाम हो रहा था या था? भाई कुछ याद नहीं है मुझे। लक्ष्मी थी एक, और एक नेपाल की थी, और बनारस की मुन्नी थी, कलकत्ते के कलकत्ते में दो शागिर्द की थी बंगालन, एक चारी थी, चारी बाला। बहुत सारी थी भाई, एक दो, लेकिन एक आते ही कोई निकलता है। सही बात है। अच्छा, अब मेरा सवाल ये ना कि मेरा तो वो एक पांव यहाँ एक पांव वहां, एक पांव खूबसूरत थे अपने वक्त के बड़े मशहूर आदमी था भाई मैं। तो वो है कि एक अनार 100 बीमार वाली बातें थी। और शऊर नहीं था ना।
अब है शऊर, अगर अब होते भैया तो मेरा ख्याल है कि मैं उनके पांव पकड़ के बैठ के तेल ही लगाता। सही, उनको तेल लगाने का बहुत सारा बदन कभी छूने नहीं देते थे। अच्छा, जब कभी हम लोग मुंह भैया अरे ना 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 ना, ना जहां बदन में आएगा गुदगुदी यूं यूं नहीं, सही नहीं। सिर्फ ये है कि उनके पांव बहुत फटे हुए होते थे चौड़ा। ये नहीं, वो पता नहीं तत्काल की वजह से क्या है, कोई मेरा समझ नहीं है, ये नहीं था उस वक्त। तो पांव पे सिर्फ हम लोग तेल मलते थे उनका, तलवे पे नहीं, ये नहीं। और सिवाय तलवे को बदन में जिसमें कोई जगह हाथ लगाने देते ही नहीं थे, कहीं भी हाथ लगाओ तो हम लोग डराते थे। जब कोई पूछे कोई बात ना करें तो उंगली ऐसे करके लेके आते थे तो भागते थे। अच्छा। हाँ, और उनको घोड़े का सवारी, घोड़ सवारी का शौक पैदा हो गया। अच्छा। ये रामपुर का जिक्र है। तो भाई घोड़े लेंगे घोड़े लेंगे, सब ये नहीं। तो हम लोग 17 रुपए का घोड़ा, हाँ मरा 17 रुपए का घोड़ा, 17 रुपए का कहाँ उसका घोड़ा, वो 10 रुपए का ले, 7 रुपए हम लोग खा पी लिए। मैं था कुर्बान भाई थे, सकाबत खान तबलिये थे, नहीं है नहीं। तो ये 7 रुपया हम लोग खा के 10 रुपये का घोड़ा लाया, मरियल किस्म का घोड़ा। तो लाया तो कर, अरे ये कर रहा हम ले भैया, ये अरबी नस्ल का घोड़ा है, बस को खिलाओ पिलाओ। 15 दिन तक समझे दाने बदाम खिलाए पिलाए, खिला पिला को तगड़ा किया, जब भैया बैठे तो घोड़ा बैठ गया। तो, उस्ताद तो इतना अजीम और तबीयत बिल्कुल बचकाना बच्चों जैसा, ऐसा मुशफिक और फकीराना तबीयत मैंने आज तक किसी उस्ताद को नहीं पाया। ये सबसे बड़ी फनकार तो वो बहुत बड़े थे, लेकिन वो इंसान बहुत अजीम थे, बहुत अजीम। तो आप में बातें आई महाराज सब माशाल्लाह। हाँ, जितने भी उस जमाने के उनके हम शागिर्द थे सब उन्हें यही, जो भी यहाँ आ गए हम आने के बाद सब देखते और आते हैं और यही कहते हैं कि भैया आपको देख के बड़े भैया याद आते हैं, क्योंकि वो सारा बड़े भैया का सुन्नत आप अदा करते हैं। मुहर्रम के दिन, मुहर्रम के ये 10 तारीख तक, 12 तारीख तक समझे नहीं, वो नंगे पाँव रहते थे, जूते नहीं पहनते थे, और हाथ बांधे अमीरुल मोमिनीन अमीरुल मोमिनीन अमीरुल, बस यही व्रत उनका होता था। कबीले लगवा रहे हैं पिला रहे हैं सब, ये है नहीं। वो आशिक हुसैन थे। तो एक दफा हम लोग ने पूछा, ये शायद उनके जो अपने हैं बहुत खास करीब, बिरजू महाराज को भी नहीं पता हो क्योंकि उस जमाने में बच्चे थे, कलकत्ते में, कलकत्ते का जिक्र है, सब ये है नहीं। मटिया बुर्ज एक जगह है जहां नवाबीनों का जगह है, और वहां सब फिका जाफरिया के लोग थे। तो एक महफिल सजी, 3 दिन का वो जलसा था, 2 दिन हो गए, तीसरा दिन था, तीसरा दिन शाम के टाइम अब सज धज के सब लोग आ रहे हैं। तो और उस वक्त जलसा ये होता था, वो कनाते लगी हुई झाड़ बानो इतने, वो जलसा होता था कोई, आज तो देखने में नहीं आता है, कोठरिया के अंदर बंद होकर के हम नाचते गाते हैं, उस वक्त खुले मैदान में नाचा गाते, कनाते लगी हुए, खूबसूरत गौतके लगे हुए, खाली मिछे हुए, फर्श बिछे हुए, सब ये है नहीं, गवैये बजवैये नचवैये दवाई फराइस सब सज धज के आ रहे हैं। तो नौकर उनका भागा हुआ आया, वो एक नाम था मुरली नाम था लड़के का, वो आया आगे, सरकार 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 का नवाब साहब के मुलाजिम थे वो, सरकार मुहर्रम का चांद दिख गया, नहीं तो उनका बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो सारा चीज, वो तानपुरा वगैरह सारे जो खुले वुले तबले वबले सब ये नहीं, वो सब बंद करने लगे। महाराज कहेंगे नहीं, आज तो मैं नाचूंगा। तो जमशेद अली खान थे, कहेंगे महाराज क्या कह रहे हैं, हम मुसलमान हैं, मुहर्रम का चांद, कहेंगे नहीं सरकार आज तो मैं नाचूंगा, मेरा मन चाह रहा मैं नाचूंगा। फिर तीसरी मतलब जिद की, उन्होंने कहा अच्छा आप ऐसा करें, हाँ कहते ठीक है, खुल गया था। भैया घुंघरू निकाले, घुंघरू बांध रहे, कोई 15 मिनट लगाया उन्होंने घुंघरू बांधने में, मगर घुंघरू बांधने में 15 मिनट के अंदर में मेरा ख्याल है कि कोई आध पाव पानी उनकी आंखों से निकला होगा, आंसू, और घुंघरू बांध के
खड़े हुए हैं, खड़े होके हाथ जोड़ के करें, भाई जो लोग तहारत से हैं वो महफिल में रहें, और नहीं तो जरा सा महफिल से हट जाए। तो सब नहा धो के कपड़े पहन के आ रहे थे, पाकीज़ा थे, पाक साफ, खुशबू लगे हुए लोगों को। एक दो आदमी इधर उधर हटे हैं, बाकी तो कहे हाँ खान साहब बोला था, फरमाइए। मैदान कूफा बोल के एक गत का बहाव लेके चले, एक पलटा लेके चले, पलटा में उन्होंने कूफे का मैदान दिखाया। तो उस दिन पता चला नहीं नहीं, ये जो लफ्ज कलंदर है, हम कलंदर कलंदर कहते हैं, ये गलत है, लफ्ज कुलंदर है। कुलंदर कुलंदर कलंदर छोलदारी, कलंदरा झंडा जो छोलदारी के सामने लगा होता है। फिर उन छोलधारी दिखाए, झंडा दिखाए, दूसरे पलटे में समझे नहीं, वो कहेंगे देखिए कैसे मकसद वो मश्क लेके जब वो किनारे दरिया के जाते हैं हजरत अली अब्बास, ये नहीं, एक पलटे के अंदर वो गए घोड़े पे, किस तरीके से उनका जाने का अंदाज था, अब हम क्या बताएं वो अंदाज को, वो तो एक मानिंदे बिजली कौंधे और निकल गए, ये नहीं। तीसरा पलटा जो ताथी मार के बच्चे के ला अली असगर उठाए, यूं हाथ तो हाथ लड़ा रहा था और आसमान को यूं देख रहे थे, तो ये पता चला कि आसमान थर्रा रहा, कांप रहा है कि मुझ में सिकत नहीं है खून का, जमीन को देखे तो जमीन में कहे कुछ नहीं। बैत नहीं हुआ, उसके बाद जो मातम शुरू हुआ, तो मेरा ख्याल है कि 100-150 गज में सफेद चांदी जो बिछी हुई थी, बिछा हुआ था सारा सुर्ख खून ही खून, ऐसा मातम हमने देखा नहीं। लखनऊ में भी बड़े बड़े मातम देखे, लेकिन वो उस दिन जो मातम हुआ वो मातम नजर आज तक हमने देखा ही नहीं। तो वो महफिल बर्खास्त होगी, उसके बाद सब लोग चले गए। अब रात का खाना वाना खाने के बाद जब महाराज आराम कर रहे हैं, तो मैं और कुर्बान हुसैन, उन्होंने भी सीखा था ना कुर्बान हुसैन नाटक में थे ना, दरअसल कुर्बान हुसैन हमारे दोनों तरफ से भाई, आगा साहब के तरफ भी थे, महाराज की तरफ से भी, क्योंकि नाटक में तो सभी जितने लड़के हम थे ना सब पहले ग्रुप में आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, सहेलियों में आ रहे हैं, तो नाच गाना तो नाटक में कंपल्सरी था। तो अब जब रात को लेटे वही तेल लेकर के, अरे नहीं ना ना रहने दे रहने दे रहने दे, हमला नहीं महाराज, जब बहुत महाराज क्या। तो अब मुझे शरारत, बच्चे थे शरारत ही कह सकते हैं, अब इतने बच्चे भी नहीं थे, हमने कहा भैया एक बात समझ में नहीं आई। क्या बात भाई? ये भैया आप तो हिंदू हैं, आप हिंदू हैं, आप ये कैसे नाचें? चुप। थोड़ी देर के बाद हमने भैया जवाब नहीं दिए, चुप। तीसरे उधर लड़कर से हम लोग पाँव में लकड़ हैं, तेल सब्जी है नहीं, सब्जी मर रहे हैं। हमने कहा भैया मैंने पूछा था कि आप हिंदू हैं नहीं, और ये फलसफा कैसे नाचे आप? तो कहेंगे अरे तुझे मैं हिंदू नजर आता हूँ। हमने नहीं भैया वो साखी माफ भैया सब्जी है नहीं, गलती होगी। कहेंगे नहीं 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 तो ठीक, तेरा सवाल सही है। उठ के बैठ गया, उठ के बैठ के ये नहीं कुर्ता पहने तो कुर्ता क्या हटाया तो ये नहीं था उनका। अच्छा, गले की हड्डी नहीं थी? नहीं हड्डी नहीं, ये कल कंठ, ये कंठ, ये कंठ जो है कंठ कंठ। अच्छा। और यहाँ ऐसा ऐसा निशान था, लाइनें थी, गानी बनी हुई। कहेंगे देखा? हमने कहा कहेंगे हम हुसैनी बामन है। अच्छा महाराज, इनके जो बाकी भाई थे कुछ उनका याद है आपको? लच्छू महाराज जी, हाँ कैसे नहीं, समझे नहीं, लच्छू भैया बहुत अच्छे थे, बहुत कस्बी, बल्कि बॉम्बे में एक दफा समझिए नहीं, माए
गया तो बम्बई में वो चौपाटी भी मिल गया मुझे। अरे अरे बंगाली यहाँ 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 या अरे वो फलाना नाचेगा, वो कहता कि मुझ पे नाचेगा है, बड़े भैया पे नाचेगा, इधर आ इधर आ इधर आ, आज मैं तुझे नचाऊंगा उस पर मेरे हाथ पाँव चलो। हम बोला मुझे नचाओ कहीं यहाँ, और वो कौन कि वो अपने वक्त वो भी नामचीन फनकार, वो कौन मैं भूरे खान आशिक हुसैन सम्राट। अच्छा आशिक हुसैन सम्राट के बारे में महाराज बताएं, ये किन के शागिर्द थे? ये जयपुर घराना है, नहीं नहीं ये हमारे लखनऊ नहीं है जी, जयपुर है। तो जयपुर बहुत पुराना कथक घराना, बिल्कुल बिल्कुल कथकों का बहुत पुराना घराना है, और इनकी लड़ी चली आ रही है बहुत, ये तैयारी इनकी बहुत है, लयकारी इनकी बहुत खूबसूरत, तैयारी इनकी बहुत खूबसूरत, हुस्न नहीं, तो तैयारी ही इनका हुस्न है। बुरी तो कोई चीज नहीं है दुनिया के अंदर में, अंदाज़े बयां होता है। मुख्तलिफ घराना मतलब, खैर तो हमारे घराने के लोग जब हमारे, ये मेरा ख्याल है कि प्रकाश महाराज है बिना दिन के वालिद, ये जब गए थे जयपुर मेरे ख्याल, जब भैरव जी थे, नहीं नहीं अब मोहलता मुझे हो रहा है क्योंकि मेरा याददाश्त बहुत कमजोर हो चुका है, तो जयपुर वालों ने नहीं सिखाया इनको, कहा हम अपने लोगों को बताते हैं, हम बाहर के लोगों को नहीं बताते हैं। फिर मायूस होके चले हैं, फिर जंगलों में भटकते रहे, तो जंगल में एक जोगी से फिर सुनिए नहीं, ये तो हमारा घराना चले आ रहा है इस अंदाज से यहाँ से जोगी से। हाँ हाँ फिर उन्होंने बाकायदा करताल के अंदर में ले दे करके, तो जोगी का नाम क्या कुछ पता नहीं वो हिस्ट्री अब जैसा, अब जैसा बेवजू का है, नहीं नहीं जंगलों में रहते थे 750 साल का है उनका, जंगल में रहते थे। अब क्या करते थे नहीं करते थे, जंगल में कभी कभी नजर आ जाते थे। अच्छा। शागिर्दों के जरिए से पता चलता था कि वो है शागिर्द, उस वक्त उनके शागिर्द जो थे वो नायक गोपाल थे। अच्छा, महाराज उस वक्त अच्छे महाराज जी का जवाब मिले थे, रहना सहना कैसा था, कैसे रहते थे, कैसे घर में क्या, क्योंकि पहले सुना है कि इन लोगों को बहुत बच्चन महाराज को सबको नवाजा जाता था और बड़े अच्छे हालात थे। हालात ऐसे थे कि मैंने अपने चश्मदीद देखा है कि हीरा जो है रात सजिए ही नहीं, मोती सोना तौल तौल के तराजू में और घड़े में रखे जाते थे पीतल। अच्छा ये रेल बेल था। तो उस वक्त आप जब मिले थे तो बिरजू महाराज पैदा हुए थे? नहीं बिरजू महाराज नहीं थे, मेरा जब मैं मिला ना सब ये नहीं, तो बिरजू महाराज उस जमाने में, तो बिरजू महाराज बाद में हुए, मैं जब कलकत्ते में था, नहीं बिरजू महाराज, बिरजू महाराज को मैंने 9 साल की उम्र में, जब ये 9 साल के थे तो इनसे पहली मुलाकात महाराज लेके आए थे सहारनपुर। अच्छा। सहारनपुर में ये नहीं, ये तुफैल कुर्बान के घर में, नहीं नहीं वो नारो कुर्बान तो फाइल के घर में, वहीं ये शागिर्द थे ना, तो एक जलसे में आए हुए तो वहीं पर घर में, तो पहली मतलब घर में मैंने तो वहीं नाचे बिरजू महाराज का, उस वक्त उनका 9 साल का उम्र था। अच्छा तो आपने उनको 9 साल के उम्र में, 9 साल की उम्र में देखा मैंने, 9 साल की उम्र में देखे, और फिर मेरा ख्याल है कि शायद 45 में देखा रहेगा बस, ये उस 11 साल का उम्र था, 9 साल 10 साल, 10 साल को उस वक्त से फिर अब तक हमने देखा नहीं, टीवी पे देखते हैं, मिलेनियल टीवी पे देखते हैं, तो छवि सारा वही है, सारा छवि उस्ताद का है, नहीं नहीं टीवी पे देख लेते हैं, सलाम कर लेते हैं। शंभू महाराज निरत बहुत खूबसूरत गाते, बहुत अच्छे तबीयत के, बहुत बांक पन उनमें, छैला तबीयत के, ये फकीराना तबीयत के थे महाराज, लच्छू महाराज फकीराना तबीयत के थे, शंभू महाराज बड़े तेज तकार खाने पीने वाले आदमी।
खूबसूरत और नाच भी बहुत खूबसूरत, शंभू महाराज का नाच अलीगढ़ में, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर में मैंने 1944 में पहली बार आपको नाचते हुए कृष्ण लीला, वो त्योहार था तो उस सिलसिले से हम वहां गए हुए थे। तो उसके बाद फिर वो फंक्शन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी वालों ने किया, उसमें वाह वाह वाह, गाते भी बहुत खूबसूरत थे गालिबन, ये नहीं भाई नसीर के शागिर्द हो गए थे नसीर खान साहब के गाने में, इसलिए उन्होंने पसंद नहीं किया अच्छा महाराज वो आप ये जो हिंदुस्तान में कलकत्ता से कब से निकले हैं, कितनी देर वहां रहे आप? कलकत्ते में रहते थे भाई, मैं रहने वाला कलकत्ते का। तो फिर दिल्ली भी गए थे रहने? तो वो आना जाना होता था ना, नाचने के लिए जाते थे फंक्शन वगैरह करने के लिए, संगीत फंक्शन में जा रहे हैं, दिल्ली भी, लखनऊ भी आए, लाहौर भी उस जमाने में आए, लेकिन हिंदुस्तान का कोने कोने जाना पड़ता था। कुछ ड्रामे के सिलसिले से गए, ड्रामा खत्म करके आए, फिर नाच में आ गए, तो नाच के सिलसिले से। तो आपको ये शौक कैसे हुआ ये मुझे बताएं, क्योंकि आपकी तो खानदान बहुत आपके मौलवी थे। मौलवी क्या कि मेरा सिलसिला कादरिया है। अच्छा, अब कादरिया सिलसिले के अंदर में तो बड़ा ये नहीं, यानी काला धागा का कपड़ा नहीं पहन सकते, काले धागे का सिलाई होता था सब्जी नहीं, तो फिर वो मुसीबत हो जाती थी। तो गाना बजाना नाच गाना तो घर के नाच की बात है। पहले मुझे शौक पेंटिंग का हुआ, तो मैंने पेंटिंग वगैरह शुरू की। उसके बाद में कुछ थोड़ा सा समझे, हमारे पहला गुरु जो है टैगोर, उन्होंने फिर टैगोर संगीत सीखा मैंने, वहां से। बहुत छोटे थे आप? नहीं छोटे नहीं थे, 18-19 साल का से था। उसके बाद यदि फिर आगा साहब के साथ हो गए, तो आगा साहब के जब थिएट्रिकल कंपनी में हम आए, तो उसमें नाच गाने का ट्रैक पूरा हुआ मेरा। तो अब जब ड्रामे पे सवाल आना शुरू हुआ, क्योंकि 1937 में ड्रामे पे मुकम्मल सवाल आ गया, तो उससे पहले सब ये नहीं, नाच वाच तो थोड़ा सा अंदर था ही ना, नाच तो रहे थे सब ये नहीं, लेकिन वो नाच था। फिर महाराज से आके जब हासिल हुआ, मुझे कुछ थोड़ा बहुत पता चला, तो मुझे तो 15-20 दिन तक तो महाराज सब जी ने कुछ बताया ही नहीं, सवाई ता थे ही थे ही ता ता थे ही थे ही ता, उसके अलावा कुछ नहीं, थक गए। 15 दिन के बाद हमने कहा भैया कुछ आगे सबक दो ना। अरे जरा तोतले भी नहीं कह सकते थे, लेकिन वो हकला जाते थे बात करने में, मुंह से हल्का थूक निकलता था। दही बड़े का बहुत शौक था, हमको मनाने के लिए जब देखते थे उनको नहीं बता, दही बड़ा पेश करते थे, बखाने के बाद चल 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 क्या करना है, कर कर कर, इस अंदाज में। तो रक्स का तो शौक ड्रामे में, तो शौक वॉक क्या था, बस कर रहे थे ड्रामे में कर रहे थे। जब ड्रामा खत्म होने को आया, तो महाराज को जब पहली मतलब देखा, तो वो एक जज्बा पैदा हुआ कि अगर ये नहीं सीखा तो दुनिया में मुकम्मल ही नहीं होगा। बस वो आहिस्ता 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 से एक अंदर में वो डिमांड कह लें, एक ख्वाहिश कह लें, छुपा हुआ वो पेंटिंग और ड्रामा और संगीत वो सब से हट के समझे नहीं, इस तरफ लग गया और लगा लगा लगा, तो फिर उनके कब्जों में आके बैठे जो कुछ उन्होंने दिया। तो ये शौक, अब ये कहते कि कोई कहता कि बचपन से शौक है, कोई कहता इधर से, तो शौक होता नहीं है सब, ये नहीं, जब मुशाहिदा होता है देखता है ये नहीं, तो जो चीज भी इंसान खूबसूरत है और जो भी खूबसूरत चीज नजर आता है उससे मुतासिर होता है। क्या बात है, बड़ी अच्छी। अच्छा महाराज कलकत्ता कब छोड़ा आपने? नहीं अभी तो वालिद का रिएक्शन पूछ रही थी ना मैं उनकी। अच्छा वो तो मतलब नाच सीखने से घर में क्या रिएक्शन? अच्छा, पहले तो मैंने वो गाने के लिए, जब गाना सीखने के लिए, तो
तानपुरा, तो तानपुरा का तो समझ था नहीं, समझे ने सितार दिया है उठा के, सितार दिया है और तबला लिया है, वो 22 रुपए का सितार और तबला, 22 रुपए का, और आठ आना किराया रिक्शे का दिया था, वो टन 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 हाथ का रिक्शा जो चला के करता था, अब लेके आके घर में सब उसको मिला रहे हैं, समझिए नहीं, मैं और दो तीन आदमी एक बहुत बड़े शख्सियत और थे जो के वहां के वजीर भी रह चुके हैं और नामी गिरामी, कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। तो ये हम लोग दोनों मिलके ये प्रोग्राम बनाए थे सीखने, तो जब गए तो मस्जिद खानी सितार, उन्होंने कहा कि अब भाई बुजुर्गों की औलाद हो तुम दोनों, खुदा के लिए क्यों फिर साहब से हमें जूता खिलवाओगे, ये नहीं जाओ। हमने कहा नहीं नहीं, आप बता दें, हम लोग छुप के दहलीज, हम लोग दहलीज कहते थे घर को बैठक को, दहलीज में छुप के हम लोग क्या करेंगे पता नहीं चलेगा। इस तरीके से कभी वो कभी वो कभी, टिकाव तो कहीं था नहीं ना, टिकाव हो कहां से? नहीं, नहीं। जब तक जहन किसी की अजमत को तस्लीम ना कर ले टिकाव तो था नहीं। तो अजमत तस्लीम हुआ आकर के महाराज से, तो महाराज से हुआ तो उस वक्त से लेके आज तक उन्हीं की माला जप रहे हैं, दूसरा कोई नहीं, क्योंकि महाराज से खूबसूरत नाच हमने देखा ही नहीं किसी को नाचते हुए। हालांकि मेरे उस्ताद मेरे भाई और खूबसूरत नहीं हुए, उनको खूबसूरत इंसान नहीं थे, मगर देखने वाले आंख से ये था उनकी खूबसूरती को कि कितना पाकीज़ा तन था वो। अब कलकत्ता फिर आपने? कलकत्ता में 47 में 47। क्यों महाराज, क्यों छोड़ा आपने कलकत्ता? आए भाई छोड़ने की बात है, जब आ रहे तो उस वक्त भी समझिए छोड़ा नहीं जा रहा था, सब लोग रोक रहे थे एयरपोर्ट पे, रोके दमदम एयरपोर्ट कलकत्ते का, वहाँ रोके ये नहीं, मौलाना खुद रोके मुझे, सबों ने रोक दिया भाई मत जाओ जहाँ जा रहे हो। आप कहाँ जा रहे थे? पाकिस्तान। पाकिस्तान कहाँ? ढाका। कलकत्ता से आपका ढाका का प्रोग्राम बना? हाँ, क्योंकि ननिहाल मेरा ढाका है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ढाका ननिहाल मेरा ढाका है। 1906 में मेरे घर में मुस्लिम लीग कायम हुई है। अच्छा, तो आप वो मेरा ददियाल पीरों का है, ननिहाल सारा पॉलिटिशियन है और मैं भी से कुछ और हो गया हूँ। महाराज आपके वालिद का क्या नाम है? तसद्द हुसैन। और वालदा का? वालदे का सलीमा खातू। बंगाली थी वो भी? हाँ साहब, आप कितने महाराज आप कितने बहन भाई थे? 6 भाई थे। कितने? 3 भाई 3 बहन, जिसमें से 2 बहन और 1 मैं हूँ। तो बहनें कहाँ हैं? 2 बहनें हैं वहाँ ढाके में, अभी हैं, छोटी हैं, मुझसे बहुत छोटी हैं। आपकी सब माशाल्लाह उम्र महाराज, आपको याद है अपनी पैदाइश आपकी कब की? पैदाइश तो मेरा सब ये है नहीं, 1899 मार्च, 4 मार्च कलकत्ते में पैदा हुआ। अब उस हिसाब से बना ले अच्छी तरह से समझे नहीं मुझे अच्छी तरह है, क्यों कि अभी वो उसमें ज्यादा गड़बड़ था, लेकिन वो मेरे भाई अभी 8-9 साल हो रहा भाई का इंतकाल होते हैं, बड़े भाई ये जो 1.5 साल तो वो कहाँ थे हमारा? वो ढाके में थे, लेकिन ये जो अभी ढाका जब फॉल हुआ तो ये नहीं वो कैदी होकर के ये नहीं यहाँ लाहौर आए हुए थे। अच्छा। 21 महीना रहे मुरादाबाद में, इलाहाबाद, इलाहाबाद में, उसके बाद जो बुटुल के आए ना तो यहाँ गए थे, तो यहाँ मुलाकात हुई, यहाँ नहीं यहाँ एक है पान वाला ये अराकरी में, तो ये अब
सब लोग भागे देंगे, शायद कोई आए कोई आए, तो वो गए तो वो भाई मेरी शक्ल के थे, दाढ़ी इतनी इतनी उनकी, नमाजी परहेजगार आदमी तो वो देखे तो मेरी शक्ल कर, तो कहेंगे चचा, वो पान वाले पूछेंगे चचा आप, कहेंगे हाँ मेरे एक भाई हैं महाराज, वो कराची रहते हैं, कहा महाराज के भाई हैं, कहें हाँ मैं महाराज का भाई हूँ, तो कहा महाराज लाहौर रहते हैं, कहेंगे नहीं वो कराची रहते हैं, उन्होंने कहा लाहौर। फिर उन्होंने भाई ने वो कैंप में आ गए यूनिवर्सिटी में, आने के बाद वहां से वो फिल्म स्टूडियो में आए, तो वहां आकर के पूछे, उन्होंने कहा कि जी 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 महाराज को कौन नहीं जानता है, वो तो हमारे मुल्क के बहुत बड़े उस्ताद हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत हम लोग एहतराम करते हैं, लेकिन वो इंडस्ट्री में नहीं आते हैं, पाकिस्तान टेलीविजन में आप जाए वहाँ टेलीविजन में होते हैं। वो सीधा वहां गए, वहां गए तो गेट पे शहंशाह नवाब मिल गए। अच्छा, शहंशाह नवाब मिल गए, तो शहंशाह नवाब से जो उन्होंने पूछा, ओ आई 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 अंदर ले गए, और शहंशाह नवाब ने चाय वाय मंगा के पिला के बातचीत कर रहे हैं, और उन्होंने फोन किया, ये पेपर मार्केट में है कि महराज साहब, इनको फोन किया उन्होंने कि भाई इस वक्त बाबा कहाँ हैं। नहीं, नहीं। उन्होंने कहा क्यों, कह उनके बड़े भाई इमाम हुसैन आए हुए हैं, मेरा नाम गुलाम हुसैन है, इमाम हुसैन आए हुए, अब वो तलाश किए नहीं मिले, घर पे फोन किए हैं उस्मान जी की तरफ, तो वहां से फिर उन्होंने आर्ट काउंसिल पता चला, आर्ट काउंसिल में फोन आ रहा है मेरे पास में महराज साहब का कि बाबा वो आपके बड़े भाई आए हुए हैं। मैंने कहा मेरे बड़े भाई कहाँ, कहेंगे हाँ मोहम्मद साहब, मोहम्मद हुसैन साहब, पर हमने कहा मोहम्मद हुसैन तो बड़े भाई का नाम तो वही राय होंगे। मैं फौरी तौर से आया, गाड़ी लेके सब आर्ट काउंसिल पहुंचे, तो भाई को फिर वहां से लेके यूनिवर्सिटी गए, वहां से उनको फारिग करवाया कुछ भर भरा के, तो वो जो कैप्टन था जब गए तो कैप्टन भी मेरा शागिर्द, वो कह रहे अरे चचा बाबा आप बता देते कि आप बाबा का बाप भाई है, समझे है नहीं, अरे हम तो इनके बच्चे हैं, हम तो केतली में चाय लाया करते थे इनके लिए, समझे है नहीं, हम तो इनके बच्चे, हमने कहा अच्छा बेटा कुछ क्या तेरा है, कुछ लिख लिखा ले, कहेंगे आप जाइए वो सब हो जाएगा, फिर ले आके मैंने यहाँ रखा, उसके बाद वफात हो गया उनका, वफात। तो कहाँ इंतकाल, कहाँ, यही हुआ कराची, कराची। तो महाराज ढाका कितने दिन रुके आप? ढाका में एक साल रहा, तो ढाका एक साल रहे, तो वहाँ एकेडमी वगैरह जो सब छोट छाल के जो वहाँ के लोग थे चले गए थे वो आए, हमने वहाँ पर शुरू किया एक साल कोशिश की, तो एक है आन बात ना चोल बेना चोल बेना बेटा पाकिस्तान पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान को फाकिस्तान को बंगाल बिचार नहीं, जब गाना बजाना यहाँ नहीं चलेगा, ऐसा है वैसा है ये वो, मेरे को दफा करो, वहाँ से सीधा मैं 48 में कराची। अच्छा, कराची का क्या तजुर्बा रहा महाराज आपका 48 का? 48 से लेकर के हम 70 तक कराची रहे, तो उस वक्त तो यहाँ डांस वगैरह का कोई भी नहीं था, बहुत था, कौन कौन थे कराची में, कौन कौन थे कराची में, माहौल था बहुत था, कौन कौन था मतलब हमारा कराची में उस वक्त 48 में, किस जवाब आए गवैये बजे नाच, नाच में तो कोई भी नहीं था ना, आशिक सम्राट और सब आए थे, लेकिन वो लाहौर में आ गए थे, लाहौर में आ गए थे सब, ये है नहीं वहां तो ऐसा कोई नहीं था, नहीं है नहीं, बबो है कि आए आए जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो कोई तबला बजाने वाले वो उठ के नाच बताने लगे, कोई सितार बजाने वाले उठ के नाच बताने लगे, वो आगे वो आए इस तरीके से सब, ये नहीं तो देखिए बुरी बात नहीं है, नहीं बोले ना मामा ठीक है का ना मामा भालो, अगर मामू जान नहीं है मामा नहीं है तो लंगड़ा हो लूला हो काना हो चलो मामू तो है, तो ये लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सब, ये नहीं जब हम वहां बैठे फिर शुरू हुआ आहिस्ता आहिस्ता, तो मेरा ख्याल है कि कराची में सबसे पहला चक्र मैं ही था, बुलबुल चौधरी आया था और आगे फिर ढाका चले गए। महाराज एक बहुत सुना है सबसे, जो कि कई दफा आपके नाम से भी मिक्सअप कर जाते हैं कि एक गुलाम हुसैन साहब दूसरे और थे, अच्छा, तो कई लोग हिंदुस्तान में जब मैं उन्हें बताती हूँ ना तो उनका भी उन्होंने जिक्र भी सुना है, नाम भी सुना, वो उनके बारे में बताएं। वो पटियाले वाले थे, गुलाम हुसैन पटियाले वाले, लेकिन पटियाले के रहने वाले थे, लेकिन पटियाले वाले नहीं कहलाते थे वो, जूनागढ़ी कहलाते थे,
क्योंकि नवाब जूनागढ़ की यहाँ वो थी, तो वो उन्हीं के रियासत के नाम से ही वो मशहूर हुआ। तो वो कराची में रहते थे क्या? कराची में। कैसे थे मां? अच्छे। आपने उन्हें परफॉर्म करते हुए देखा कभी? बताते हुए देखा है, शागिर्दे उसके काफी थे उस जमाने में। तो एक दिन मुलाकात, बात तो प्यार मोहब्बत तो है सबसे। एक दिन हम लोग सब बैठे पीखा हमला खान साहब सब, ये नहीं आप कथक कहलाते, कहेंगे भाई मैं आपके आगे कथक नहीं बनता। हालांकि वो खूबसूरत नाचते थे और निरतकारी उनकी बहुत अच्छी थी, भाव भी नहीं। भाव, भाव बैठ के सिर्फ भाव बतावा वो उनका, वो पूरा ही रांझा बैठ के बता दिया करते थे। तारीफ सुनी उनकी बहुत। तो आप फिर कराची में जब आए तो आप तो कराची में बस ये गुलाम हुसैन थे, एक दूसरा गुलाम हुसैन, तो मुझे तो गुलाम हुसैन के नाम से कोई जानते ही नहीं था ना। नहीं, फिर किस नाम से जानते थे? महाराज। मैं महाराज के नाम से इंडिया से चले, महाराज के नाम से यहाँ भी महाराज और अभी भी महाराज है और अभी भी महाराज है, मरते दम तक महाराज रहेंगे। महाराज ये आपने ये नाम इसलिए लिया कि क्योंकि अच्छन महाराज? नहीं इसलिए नहीं, खुद ब खुद तो इंसान कोई लॉकेट नहीं पहन लेता है, नहीं। कोई पहनाता है तो पहनते हैं ना। तो ये चीजें जो है, कलकत्ते में जलसा हुआ गुलाम अली खान, बड़े गुलाम अली खान, राजा बाबू घोष बाबू उनके यहाँ, तो उस जलसे में गुलाम अली खान का गाना मेरा नाच। तो सुबह को सारा जितना वहां बंगाली जो महफिल में था सुने, समझिए नहीं, वो पहाड़ी धुन समझिए नहीं, अलापना शुरू किया। पता चला कोई जादूगर पंजाब से आया था, गुलाम अली नहीं आया था, कोई जादूगर आया था, वो सब गुनगुना रहे वो, क्योंकि पहाड़ी गुलाम अली खान ने इस अंदाज से गाए कि वो सारे बंगाली जो, और मैं भी एक गाना वहां उस वक्त गया था, कौन गली गए शाम बता दो गुइया, ये पुराने हमारे उस्ताद लोग के। नहीं, नहीं। तो ये दो चीजें, ये दो बात हम लोग के बड़े मशहूर हुए वहां पर। नहीं, नहीं। तो महाराज आया, जब महाराज को पता गया, अरे तो खूबसूरत में बहुत था। नहीं, नहीं। कहने ये तो राजकुमार है, महाराज है, लो जी बस, कहेंगे तो महाराज ही है, ओ महाराज महाराज महाराज, फिर वहीं से महाराज, यानी मुझसे बड़े बड़े लोग मुझे महाराज कहते थे, जिनके दाद नहीं थे वो मुझे बाबा कहने लग गए। आज 60 साल से लोग मुझे बाबा कह रहे हैं, अब तो 90 साल में आ गया, जब मैं 25, 26, 27 साल का बिब्बो, अभी दांत मुंह में नहीं हो बाबा, सारी इंडिया के इंडस्ट्री सारे बाबा कहते थे। कलकत्ते का इंडस्ट्री, बम्बई का इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री सारे बाबा, बाबा जी बाबा जी बाबा जी बाबा जी बाबा जी। तो पता चला कि मुझे ये लकब पैदाइशी। तो कराची में महाराज मतलब क्या स्कूल कायम किया? हाँ, मैंने किया था, बस में फनून मुगलिया। किसके साथ मिलके? नहीं, अकेला, मैं अकेला, ये बस में फनून मुगलिया, ये मेरा एकेडमी वहाँ मैंने शुरू किया, और वो एकेडमी खूब ठीक ठाक चलता रहा। नहीं, नहीं। 70 में वो एकेडमी हमने खत्म किया। वो क्यों? 70 में ख़त्म इसलिए किया कि एक शागिर्द हमारी, जिन्हें वो शागिर्द हैं बेटी हैं, लेकिन हम उन्हें माँ जी कहते हैं, अब मुझे बाबा जी कहते हैं, वो गई, ये जो हमारे यहाँ आपके टेलीविजन के जो लाहौर टेलीविजन के सीनियर प्रोड्यूसर है यावर हयात, इनकी वालिदा, ये गई और मुझे कहने, ये सिर्फ आप उस्ताद नहीं, हमारे बाप हैं। वो कराची मैंने 70 में छोड़ा, 70 से फिर लाहौर में था। तो सन, हाँ आप पूछ। नहीं, नहीं। सो सन 70 से आप लाहौर में हैं, तो लाहौर में आप कहाँ आए कराची से सीधे? माजी लाई ना कहाँ आए आप,
इसी इसी जगह जहाँ मैं बैठी हूँ? नहीं, यहाँ पर मुझे 11 साल हो रहा है। वो फिरोजपुर रोड पे है, सिलदार पार्क, मानकुशक मकान, उनका बंगला बड़ा अच्छा, हकीम अहमद शुजा का बड़ा मशहूर लोग, बड़े अच्छे खानदानी, बड़े लिटरेरी फैमिली, प्यार, उनका बेटा अनवर कमाल पाशा, अच्छा फादर ऑफ इंडस्ट्री कह लेना चाहिए, सीनियर, सब बड़े लिटरेरी किस्म के लोग, बड़े नफीस किस्म के लोग। उनके साथ उनका नाम और आपका नाम मिला के एकेडमी शुरू? हाँ, फिर यहाँ लाहौर में आकर के सब, ये नहीं, फिर उन्होंने, ये नहीं, उनका नाम है खुशी जहारा। तो यहाँ किस नाम से? तो यहाँ पर जहाराज एकेडमी, महाराज का आधा और जहार का, बहुत खूबसूरत नाम है, जिसमें मैंने शुरू किया था, जहाराज एकेडमी। सन 70 से महाराज आपने बहुत बहुत शागिर्दों को सिखाया और यहाँ लोगों को भी सुना। उस वक्त जब आप यहाँ आए तो नाच में और कौन कौन था लाहौर में? यहाँ जब लाहौर आए? जी जी, कौन वही कराची में जो थी, एक पन्ना थी, वो थोड़ा बहुत नाच रहे थे, थोड़ा बहुत बस, खूबसूरत बहुत है, नाच खूबसूरत, क्या नाच खूबसूरत, वो खुद बहुत खूबसूरत थी बाबा एमी। हाँ। और एमी तो समझिए, एमी उस वक्त बहुत ही ठीक ठाक ठीक ठाक। तो एमी ने किन से तालीम हासिल की थी? एमी बहुत सारे उस्ताद से की, आखिरी तालीम मेरा है उसको, एमी का, जब उसने तमाम सबों से सीख ली, इंडिया जाके यहाँ वहाँ ये तमाम सारा सीखने के बाद आखिर में समझिए नहीं, फिर वो मेरे पास में, उन्हें एक ये नहीं इस्माइल फिक्र से ताल्लुक था उनका, ये नहीं वो है बोरा, हाँ वो कहने के बाबा मैं कौन, हमला हो, बहुत बड़े लोग, हमले नहीं मैं कौन, हमला मेरे बेटा, तो मेरी बेटी आपकी क्या लगी, हमले पोती लगी, तो बस चले, मुझे नहाने भी नहीं दिया, तो जल्दी कपड़ा पहन, नाश्ता भी वहीं करेंगे, फ्लैटी में आए, फ्लैटी होटल में, जब गाड़ी अंदर आई तो वो दरवाजा खोल के एमी मीमाना निकली, एमी मीमाना निकली, अरे हमने कहा तो बहुत अच्छी नाच दी, एमी को मैंने शुरू किया, एमी को शुरू किया, एमी को। अच्छा, और कौन था नाच में महाराज यहाँ पे? और तो कोई नहीं, कराची में परवीन कासिम थी, परवीन कासिम बच्ची को शागिर्द गया, उन्होंने कहा शागिर्द कर लेते हैं, फिर उन्होंने मुझे बुलवाए, आए मेरे पास में कि भैया ऐसी सी बातें हैं, लड़की कह रही है, हम लगा अच्छा ठीक है, तो कहने का भाई तू नहीं बैठेगा, तो बल्ले खां थे तबलिए, बड़े अच्छे उस्ताद, ये बल्ले मेरे साथ, तब मेरा तो तबलिया बल्ले है, बल्ले बैठेगा, कहेंगे हाँ साहब मैं थाली में तो बैठ सकता हूँ, कहेंगे पर तुझे भी शादी दोनों होगा, तो बाप को भी शादी किया, तो थाली में बैठे, तो जहाँ सोना लगड़ा जाएगा बुरादा पड़े पड़े ना, बिल्कुल जी। तो ये भरिए, अब वो कहते कि बाप ने बताया, बाप ने बताया, बाप कहाँ से बता दिया, बाप के पास नाच कहाँ से आया, नाच नहीं बताया ना, सिर्फ इसीलिए ना कि उनका पांव बहुत तैयार था, तो वो तो फिर देखो ना, सब ये बाप हो या भाई हो जो कर रहे हैं, सब ये नहीं बैठे कर रहे हैं, वो तो एक अलग चीज है, उस्ताद तो वही थे जी। 70 में लाहौर आए हैं जी, फिर से बाबा जी 70 में लाहौर आए जी, और माशाल्लाह आते सारे पूरे लाहौर में धूम मच गई। अच्छा जी जी, और मेरे घर में भी डांस था, मास्टर फिरोज अजीज सब थे, वो इंडस्ट्री के सबसे पहले डांस डायरेक्टर थे फिल्म इंडस्ट्री के, और उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आप भी जाके बाबा से सीखो, और हमारी बदनसीबी का हम लोगों ने अभी कुछ नहीं सीखा इनसे,
मेरी खास तौर पे, और इंशाल्लाह बकाया ज़िंदगी बाबा के नाम रहेगी, अल्लाह ज़िंदगी दे इनको भी, हम मुझे भी। और सबसे बड़ी पाकिस्तान के लिए खुशनसीबी है कि इन्होंने इस्लामिक समिट शाही कॉन्फ्रेंस में ऐसा नाच दिया है कि आने वाली नस्लें भी याद रखें। महाराज क्या हुआ था उसमें, क्या था साहब उसके बारे में कुछ बताइए। आप बताना वो इस्लामी सरबरा कॉन्फ्रेंस में थे, भुट्टो साहब ने जो चालीस ममालिक कहाँ हुआ सर, शाही कलर 73 या 74 गालिबन 74 में जी, और लाहौर शाही किला में परफॉर्म्स किया था आर्ट्स काउंसिल। ये बहुत तारीफी चीज है, जहाँ 40 ममालिक का हेड ऑफ द डिपार्ट सरबरा, तो ये तो बहुत बड़ी इजाजत। सही बात, लोग बादशाहों को देखते हैं, बादशाह बाबा को देख रहे हैं, तो 40 ममालिक के बादशाह समझिए नहीं बैठे देख रहे हैं, तो वहां पर समझिए नहीं ये हमने कुछ मुगलिया नहीं नहीं रेक्स कुछ कंपोज मेरा था समझ, कंपोजिशन किया मैंने समझिए नहीं, 750-700 हो रहा है समझिए नहीं, अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद शाह तुगलक का दौर नहीं नहीं, हजरत अमीर खुसरो का नहीं नहीं, तो वहां से तराना उस एज से लेके उस दौर का हम आए, फिर अकबर के दौर आए और नवाब वाली शाकत हो, ये तीन पीरियड मैंने कवर किए। हाँ, अब जाहिर चीज है कि कथा कहानी बयान, तो यहाँ पेशावर के अंदर में एक बाजार है किस्सा खानी बाजार, पता चला कि यहाँ भी कथक रहते थे। कथक के मायने हैं दास्तान गो, दास्तान बयान करना, तो दास्तान बयान करते थे इशारों के जरिए से, तो अब जाहिर चीज है कि उस वक्त इशारों के जरिए से बयान करते थे। नाच तो पुराना भरतनाट्यम है ना, बहुत पुराना है, तो वही कृष्ण लीला रामलीला नहीं, नहीं। और ज्यादातर समझो रोमांटिक बनाने के लिए राधा कृष्ण को टच किया जाता था नहीं, नहीं। वही कुआं वही छेड़ वही छार, तो ये विलेज, तो जब हम विलेज में चले जाते हैं तो क्लासिक का तस्वीर खत्म हो जाता था नहीं, उसमें फोक बना जाता था, हालांकि फोक भी नहीं है वो नहीं। क्योंकि कोई भी फोक चीज को आप कंपोज करेंगे समझिए नहीं, तो वो फोक नहीं रहता, ना तो वो फोक था ना वो क्लासिक था। क्या था फिर वो? आप देखो ना फोक, अभी भी कोई भी फोक नाच होता है समझिए नहीं, अब हम कहते हैं कि हम फोक कर रहे हैं, फोक गाना है फोक नाच है, तो फोक तो नहीं रहा, जब कंपोज कर दिया आपने एक शक्ल दे दिया उसको, जहां कंपोज की तो फोक नहीं रहता वो जी, फॉर्म में आ गया, किसी फॉर्म में आ गया समझिए नहीं, तो वो आप ये कह सकते हैं कि ना तो वो माजी है ना वो मुस्तकबिल है, हाल है वाह नहीं, नहीं। कि जो उस वक्त का महसूस कर रहे हैं, जो उस वक्त का डिमांड है उस हिसाब से, तो क्लासिक जो होता है वो माजी है। सही बात, तो अब जाहिर चीज है समझिए नहीं, वो क्लासिक बना, उसको बनाया गया, वो दिन ब दिन बढ़ता गया, अब वो वही शक्लें बन रही है। अब जब मुसलमानों के आमद हिंदुस्तान में हुआ, मुसलमानों ने आकर के समझिए पर काट तराश की लय पे जोर दिया, आज से 700-750 साल पहले 800 साल पहले कोई खाली भरा नहीं था, कोई ठेके का। सही बात है, ठेकों की शक्लें अलग थी बिल्कुल, लिपट चलता था, ताली देने का अंदाज लिपट चलता था, ताली सीधा चला लिपट चल रहा, तो पता चले कि तमाम सारी चीजें अगर तो टेक्निकल अगर देखा है, टेक्निकल अगर देखा जाता है तो ये तो मुश्किल चीज है नहीं, नहीं। तो या करके समझिए नहीं, मुसलमानों ने यह खुशी बंदिश करना शुरू किया, और अभी तक अभी मिसाल के तौर पर देखो ना, जैसा कि अभी इकताल है शुरू से चली आ रही है, अब चौताला है धा धा धिन धा तत्ते धिन धा तति कता गिरि गिनि धा, यही हम मारते हैं ना। सही बात, वो भी वैसे कर रहे हैं धिन धिन धा तो वहां करता है धिन धिन वाह चार देर हाथ से तालियां चार पड़ रही है और नाम इकताल है।
तो पता चला शुरू में भी कुछ गड़बड़शन था, बीच में भी गड़बड़शन था, अभी भी गड़बड़शन, अभी भी सही नहीं। अभी भी इस पर रिसर्च करनी चाहिए और रिसर्च करके इसको एक शक्ल देनी चाहिए कि क्यों कि नाम हम एक ताल रख रहे हैं इसका और हां से चार ताल दे रहे हैं, फिर एक ताल से निकल के तीन ताल पे चले जाते हैं, तीन ताल से चौथा ताल पे चले जाते हैं, चौथा से पांच ताल पे चले जाते हैं। नहीं नहीं, नहीं। ग्यारह अगर हम गा रहे हैं चार ताल की सवारी है, पंद्रह करे तो पांच ताल की सवारी है। तो एक ताल से निकल के चले जाते, बीच में एक ताल को हम भूल ही गए, छूते ही नहीं है, जिसको कहते दो ताल। दो ताला है कोई? सुना तो नहीं है महाराज। तो होना चाहिए ना। तो यही यही तो चीज कह रहे हैं ना, समझिए कि अब हमें इन सब चीजों पे गौर करना चाहिए। जो कुछ है वो ठीक है, जमाने के साथ साथ सब चले जा रहे हैं, कोई नहीं कि किसने माना किसने माना किसने माना, हम बांध रहे हैं सारी चीजें, आप बांध रहे हैं, ये सारी बंदिश हमसे आपसे है। ये नहीं, कोई किताब इसका मुस्तनद नहीं है, किताब झूठा है। हम सच्चे हैं, आप सच्चे हैं, हम प्रैक्टिकल करके करने वाले हैं, किताब तो खाली बताता है। सही बात, वाह वाह, अच्छी बात, बहुत बहुत अच्छी। किताब आपको मुतमईन नहीं करेगा, दलील नहीं देगा, बंदा से बात करेंगे बंदा दलील देगा, लॉजिक में समझाएगा। तो जब एक ताल है तो दो ताल भी होना चाहिए, तीन ताल, एक ताल को छोड़कर हम तीन ताल में चले जाते, दो ताल को छोड़ देते, दो ताल क्यों नहीं है? तो पता चला दो ताल है, हम करते हैं और हमें पता नहीं है। हम करते हैं रूपक रूपक को दो ताल कह सकते हैं महाराज? कह सकते, क्या कहे, कहते क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें दो ताली और एक ताली है। ये भी गलत है, ये भी गलत हो जाता है यार। तीन भी अगर दे दो, तीन तो सम नहीं है, वो तो खाली है। नहीं मगर वो अंदाज बन गया, नहीं है नहीं, कद पे सम दे दे रहे हैं, नहीं नहीं। अब यहाँ को होली धमार समझे, पंजाब को जो बजा त्रिकता त्रिकता त्रिकता, वो सब त्रिकता त्रिकता त्रिकता, क्या है सब समझे, खाली लेके जा रहे हैं, क्या बना रहे हैं, क्या सिर्फ वजन पूरा करे, खाका पूरा कर रहे हैं, गिनती दे रहे हैं। अच्छा महाराज, आप जो 70 में आए उसके लाहौर में उस वक्त कथक की सिचुएशन बताएं, और जरा उसके बारे में कि आपने इंस्टीट्यूट कायम किया, शुरू में कितने लोग आए, या आपको क्या क्या मुश्किलात हुई? अरे मुश्किलात तो महसूस करने का नाम है ना भाई, जब आप मुश्किलात महसूस ना करें तो काहे का मुश्किलात है। हमें तो अब आज तक कोई मुश्किलात सामने आए ही नहीं है। पता चला कि मैं बहुत ही बड़ा हूँ, कोई मुश्किलात आया उसको काट दिया, या पता चला कि हम इतने मुश्किलात में थे कि मुश्किलात ही मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि मुश्किलात के सामने मुश्किलात काफूर है। या इतना बड़ा नंगे तलवार है सब, यानी कि जो भी मुश्किलात आया कटकटा गया। तुम्हारा जी एक ताले का आप समझते हैं कि ये भाई एक ताल कितने मात्रे का हम बनाते हैं उसे, एक ताल 12 का, 12 का, लेकिन उस अंदाज से तो हम जाते हैं नहीं, हम उसको 48 बना लेते हैं नीचे उतार के। नीचे उतरता है ना, नीचे उतरता है तो एक ताल की शक्ल बनती है ना। दिन दिन ना देखूँ यहाँ कहता यहाँ, इसके लिए तो कोई और टेका है, यहाँ तो नहीं बोला जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर उसको शक्ल बिगड़ जाता है इसका। जिस तरह बताए महाराज इसके बारे में थोड़ा और। अब ये देखिए ना, तब धिन धिन ये जा रहे हैं ना, तो ये धिन धिन धा है, त्रिकटू ना है, तीन तीन का भाग है या चार का भाग है? क्योंकि आप तो तबला बजाते हो ना जी, तीन तीन है या चार चार है या दो दो है? चार चार का भाग है। नहीं चार का कहा, धिन 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 धा, अच्छा त्रिक तू ना, तो दो दो कत्ता धा त्रिक धिन ना, ये आता है ना, धिन धिन ना, तीन तीन है ना, तीन छ नौ बारह इस शक्ल में आ रहा है। चौताल धा दो दो का आता है, धा धा
धिंधा कत्ते धिंधा तेटे गाता गदी गिने धा यादा धिन धिन ना यही चलोगे ना भाई जी जी धिन धिन ना ना तत ता धा तेटे केते धिन यही से चलोगे ना इसी अंदाज से बोलना बिल्कुल तो तीन तीन का बना जब तीन तीन का बना तो चतुर्भुज भी तीन तीन का होना चाहिए तो जब चतुर्भुज तीन तीन का होगा तो 36 मात्रे का तो 36 मात्रे का एक ताल क्यों नहीं बजता असल में एक ताल तो 36 मात्रे का होना चाहिए आप ऐसे कर रहे हैं दिन दिन ना तेरे किते तू ना कर ता ना तेरे किते दिन ना इस तरह डिवाइड कर रहे हैं तीन तीन तो तीन तीन ही है ना दादर को कैसे कर धा दिन ना यही है ना तो दिन दिन ना इसी तरह गया ना अच्छा ना दिन दिन ना तेरे के तू ना ऐसा तो नहीं जाएगा चार तो नहीं बनेगा चार तो नहीं बनते दिन दिन ना तेरे के तू ना कत्ता था तेरे के दिन ना आ अच्छा डिवाइड तो इसे हो रहा है ना तो जब तीन तीन का हम लेके जा रहे हैं तो चार चार सर्वे तो वो चतुर्कूट उसका चार दे रहे हैं नहीं देना चाहिए धिन 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 ना तो 36 बनेगा तो ये हमने आपस में जरा 36 को किसी वक्त और करूंगा जी करेंगे जरूर थोड़ा सा लेके इस थोड़ा सा जान जोखों में फेंकने वाली बातें हैं बिल्कुल क्योंकि ये तो बन जाएगा धिन धिन तो बन जाएगा वहां आके जा धिन धिन ना जाके तू ना कर धागे अभी सुन दे धिन धा गे ते ते का ये इसके चक्कर में धा के दो मात्रे में जहां डेढ़ में बनेगा और ये जो ते ते का ता ये चार बना ना ये तीन बनेगा ते ते का ये बताल निकाल दे अनोखी बात हो और टंके का चोर से कि सही एक ताल का शक्ल ये है 36 मात्रे का और जिसे हम दादरा कहते हैं जी वो है 18 मात्रे का वो कैसे महाराज यही सी तो ना तीन दिन करके उसको नहीं छोड़ेंगे अब धा दिन ता एक ताल कौन सा है दादरे के कितने ताल लोगे मैं समझ नहीं आपकी दादरे में कितने ताल लोगे दादरे में ताली खाली एक ताली एक खाली एक ताली है ओ नीचे उतारो दादरा को देखो तो जरा नीचे उतार कर दादरा कभी नीचे उतर को तो देखो दादरा को नीचे उतर को देखो तो धैन तीन तीन चतुर्कोण बगैर धा धिन ना ता धिन ना वाह ये तो वैसे गए ना जब इसको नीचे उतार मच कर तो थोड़ा नीचे उतारोगे तो ये 18 का आएगा तो इसका दून आएगा 36 18 × 36 वहां एक ताला था क्योंकि ये एक जात है एक खानदान एक फैमिली ये बात हो गया ना जिसका काम करने से थोड़ा सा काम करोगे इस पर जाके इस पर थोड़ा सा आप दोनों आदमी होते हो जरा दोनों आदमी उठ के झक झक विद्या है तो जरा झक मारो ना तो फिर समझिए ना किसी वक्त हिंदुस्तान में बैठ के दोनों आदमी मिलके एक शोशा फेंक देना
तो खुदा की कसम हाथ में ताल देना मुश्किल होगा, सही बात, गिनना मुश्किल होगा, नहीं क्योंकि आपने तो उसको काबू कर लेना है, मगर जब करोगे तो काबू पाना मुश्किल होगा। नहीं।